आरक्षण जब राहुल गांधी जी के पिताजी नहीं खत्म कर पाए, उनकी दादी जी नहीं खत्म कर पाई, उनके दादी जी के पिताजी नहीं कर पाए, तो अब नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। हम सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, संविधान को साक्षी मान करके शपथ लेकर के देश प्रदेश को चला रहे हैं। कोविड सीट को 4 जून को 4 बजे 400 पार के साथ फिर मोदी सरकार के साथ एक नया भारत बनकर के खड़ा हो। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी का नारा ही 400 हारा है। अखिलेश यादव जी 2014 से अनेक प्रकार के नारे लगाए, कभी उनका नारा सच हुआ क्या? जो नारा जो दावा भाजपा ने किया वही सच हुआ, वही सिद्ध हुआ, वही सफल हुआ। और 2024 में ही होगा जब सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुलेगा, भाजपा और गठबंधन हमारा एक तरफा भी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुल रहा है। और यह बात सपा बसपा कांग्रेस वाले भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। ये वैक्सीन बहुत बड़ा मामला क्या है इसमें, जो लोग वैक्सीन कर रहे हैं? वैक्सीन पर मैंने भी अखबार में पढ़ा है, टीवी में देखा है, लेकिन उस पर क्योंकि कोई अधिकृत बयान मेरे को देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि देश की रक्षा के लिए जो वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई है हम उसका सम्मान करते हैं। 2014 में मोदी जी की लहर थी, 2019 में मोदी जी की आंधी, लेकिन 2024 में मोदी जी के नाम का तूफान है, सुनामी है। इसे बड़े अंतर से कौशाम्बी सहित हम लोग सभी लोकसभा सीटें आरक्षण जब राहुल गांधी जी के पिताजी नहीं खत्म कर पाए, उनकी दादी जी नहीं खत्म कर पाई, उनके दादी जी के पिताजी नहीं कर पाए, तो अब नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। हम सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, संविधान को साक्षी मान करके शपथ लेकर के देश प्रदेश को चला रहे हैं। कोविड सीट को 4 जून को 4 बजे 400 पार के साथ फिर मोदी सरकार के साथ एक नया भारत बनकर के खड़ा हो। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी का नारा ही 400 हारा है। अखिलेश यादव जी 2014 से अनेक प्रकार के नारे लगाए, कभी उनका नारा सच हुआ क्या? जो नारा जो दावा भाजपा ने किया वही सच हुआ, वही सिद्ध हुआ, वही सफल हुआ। और 2024 में ही होगा जब सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुलेगा, भाजपा और गठबंधन हमारा एक तरफा भी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुल रहा है। और यह बात सपा बसपा कांग्रेस वाले भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। ये वैक्सीन बहुत बड़ा मामला क्या है इसमें, जो लोग वैक्सीन कर रहे हैं? वैक्सीन पर मैंने भी अखबार में पढ़ा है, टीवी में देखा है, लेकिन उस पर क्योंकि कोई अधिकृत बयान मेरे को देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि देश की रक्षा के लिए जो वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई है हम उसका सम्मान करते हैं। 2014 में मोदी जी की लहर थी, 2019 में मोदी जी की आंधी, लेकिन 2024 में मोदी जी के नाम का तूफान है, सुनामी है। इसे बड़े अंतर से कौशाम्बी सहित हम लोग सभी लोकसभा सीटें